हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंसगीर। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक सारी वीडियो के टॉपिक से बिल्कुल हटके होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो का पूरा क्रेडिट आप सभी लोगों के ऊपर जाता है कि आप सभी लोग ने मुझे इतना सपोर्ट किया जिस कारण मैं आज की ये वीडियो बना पा रहा हूँ। तो मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप लोग के इतने सपोर्ट के कारण ही मेरा चैनल आज मोनिटाइज हो गया है और इस समय मेरे चैनल में 5000 लगभग सब्सक्राइबर है और मेरा चैनल मोनिटाइज हो गया। तो आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल जो है कमेंट किया था, मुझे मैसेज किया था कि आप अपनी यूट्यूब जर्नी बताइए कि आपने अपनी ग्रोथ कैसे करी। तो मैं उसको शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था कोविड के दौरान, लगभग आज से 3 साल पहले। तो आप सभी लोग जैसा जानते हैं, कोविड में सभी लोग के पास काम नहीं था, सभी लोग घर के अंदर थे, तो उन लोग के पास कुछ काम है, सभी लोग के पास कुछ काम नहीं था। तो मैंने भी यूट्यूब में ऐसे ही वीडियो देखा, तो मैंने देखा कि सभी लोग यूट्यूब से अर्न कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपनी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि यूट्यूब पर सभी लोग का सक्सेस हो पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैंने भी सभी लोग की तरह यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और लगभग आप मान के चलिए कि 2 मंथ या 3 मंथ के अराउंड मैंने उस पर वर्क किया, मतलब कि रेगुलर वीडियो अपलोड करी 2 से 3 महीने। बट गलती मैंने क्या करी थी, आप लोग जानते हैं, गलती मैंने ये करी थी कि 2 से 3 महीने मैंने वीडियो तो अपलोड करी बट सारी वीडियो का टॉपिक अलग था। यानी कोई वीडियो जो है कुकिंग से रिलेटेड थी, कोई वीडियो जो है एजुकेशन रिलेटेड थी, कोई वीडियो जो है रिलीजियस रिलेटेड थी। तो अलग अलग वीडियो जो थी अलग अलग टॉपिक थी, जिस कारण क्या हुआ मैं ग्रोथ नहीं कर पाया। तो उसके बाद जब कोविड में लॉकडाउन जब हट गया, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ऐसे मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, तो उस समय छुट्टी चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, हम लोग के पास वर्क था नहीं ज़्यादा, तो मैंने अपना चैनल स्टार्ट कर लिया था। बट जब मैंने देखा लगभग 3 मंथ हो चुके थे, मेरे चैनल में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हुई थी, तो मैंने क्या किया, अपना चैनल को बिल्कुल समझ लीजिए बंद कर दिया। और उसके बाद मैं स्कूल भी मैंने ज्वाइन कर लिया, ऐसा टीचर मैंने बताया जैसे कि, तो फिर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। उसी मैंने एक वीडियो डाली थी जिनमें 25,000 के अराउंड व्यूज आए, मंगल भवन मंगलहारी, ये चौपाई का अर्थ क्या है, दोहे का अर्थ क्या है। तो जब मैंने वीडियो डाल दिया था, तो उसके बाद मैंने यूट्यूब पूरी तरह से अपना बंद कर दिया। बीच में एक आधी वीडियो डालता गया तो मैंने ध्यान नहीं दिया वीडियो में कितने व्यूज आ रहे हैं। बट एक्चुअली रिसेंटली ऐसा हुआ मेरे साथ कि अभी आप लगभग जो 6-7 महीने पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल दोबारा ओपन किया। ऐसे ही मैं वीडियो देख रहा था किसी भी यूट्यूबर की, तो उनका मैंने एक चीज़ ध्यान दी, उन्होंने बोला कि अगर आपको यूट्यूब में सक्सेस होना है तो आप लोग अपनी नीच एक रखिए, यानी आप लोग अपना टॉपिक बार बार मत बदलिए। तो मैं ये कह रहा था, तो मैंने यूट्यूबर की बात सुनी, तो उन्होंने बोला कि हमें अपना टॉपिक नहीं चेंज करना चाहिए, यानी एक ही टॉपिक पर रेगुलर वीडियो बनानी चाहिए। तो जब मैंने देखा कि मैं ये गलती कर रहा था, फिर रिसेंटली जैसे मैंने बताया कि लगभग 5 से 6 महीने पहले मैंने जो है चैनल को दोबारा रीओपन किया, तो मैंने देखा कि एक वीडियो जो थी मंगल भवन मंगलहारी वाली वीडियो, उसमें जो 25,000 व्यूज आ चुके थे और लगभग 1 लाख इंप्रेशन यूट्यूब ने भेजा था, और वो तब भेजा था जब मेरे चैनल में 300 सब्सक्राइबर थे। अब आप समझ लीजिए, जब केवल मात्र 300 सब्सक्राइबर होने पर यूट्यूब जो है प्रमोशन वीडियो का खुद ही 1 लाख इंस्प्रेशन भेज सकता है, 1 लाख इंस्प्रेशन भेज सकते हैं। यानी कि यहाँ यूट्यूब की गलती नहीं होती, यूट्यूब छोटे चैनल को ही प्रमोट करता है, पर गलती हमारी होती है कि हम लोग एक रेगुलर हो करके जो है नहीं काम करते, क्योंकि यूट्यूब मेहनत मांगता है। यूट्यूब चाहता है कि वो चेक करना चाहता है कि हम लोग कितने लंबे टाइम तक यूट्यूब पर टिक सकते हैं। तो बात तो ये थी। तो जब मैंने देखा कि मेरी रिलीजियस वाली वीडियो जो है चलने लगी है, तो मैंने उसी रिलेटेड जो है शॉर्ट अपलोड करना शुरू किया। और फिर जैसे ही मैंने शॉर्ट अपलोड करना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसमें जो है सब्सक्राइबर आने लगे, तो भी मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। जब इस समय प्रेजेंट टाइम मेरे पास, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 5,000 के अराउंड मेरे पास सब्सक्राइबर है। और फिर इसके बाद मैंने बीच में एक आधी लॉन्ग वीडियो भी डाली, जैसे कि अभी रिसेंटली आप लोग को वीडियो पढ़ा ही होगा, उसमें ऐसे कि जो मैं अयोध्या गया था, तो अयोध्या की मैंने टूर करी, उसकी लॉन्ग वीडियो डाली। वो लॉन्ग वीडियो में भी आप लोग का बहुत सारा प्यार मिला, जिस कारण उस एक वीडियो से ही मेरा 4,000 वॉच टाइम कंप्लीट हो गया और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी यूट्यूब की छोटी सी जर्नी। आशा करता हूँ कि आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आप लोग को उसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।